हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, कैसे हम लोग मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग में। मूविंग एवरेजेस के फायदे क्या है, इंडिकेटर्स के फायदे क्या, इनके नुकसान क्या है, और कैसे ये हम लोग को अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इंडिकेटर क्या होते हैं ना, अगर आपको प्राइस एक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, बट आपको वो ट्रेड लेने के लिए अगर आपको डर लग रहा है कि मैं ट्रेड लू या नहीं लू, या मेरा जो प्राइस एक्शन है ये मेरा काम करेगा भी या नहीं करेगा, तो मैं उस ट्रेड के लिए, अगर आपको मतलब अगर आपको कोई चीज पता चले जिससे ये होगा कि हाँ ये प्राइस ऊपर या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप उस ट्रेड में कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकते हो, करेक्ट। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए या कहाँ से मार्केट आपको रिवर्स कर सकता है। तो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स आपको उस चीज के लिए काम आते हैं। मैं पहले आपको बता दूं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाओगे, तो आई हाईली डाउट कि ऐसा होगा। बहुत अभी शायद इस बात से बहुत सारे लोग डिसअग्री करेंगे मुझसे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो लोग सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, वीवैप हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, इनके बेसिस पर सिर्फ ट्रेडिंग करके लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो आपको उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का, या आपको जो भी आपको ट्रेड लेना है, जो भी आपको शेयर, इक्विटी, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, आपको काफी टाइम तक वेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेटअप के आने का, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर, पहले तो आप इंडिकेटर ना ही यूज करो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मान लो अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया और आप थोड़े बहुत आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन के 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, यानी परसेंटेज वाइज आपके ट्रेडिंग वाइज आपके बोले ना कि आपने अच्छे गेन्स कर लिए, 1% भी आप दिन का कमा रहे हो तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है एज अ बिगिनर, ठीक है। या अगर मैं कहूँ तो ब्रेक इवन भी आप कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। और अगर आपको ट्रेडिंग में और कुछ सीखना है तब आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, आपके ट्रेडिंग में आप इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंडिकेटर्स को पहले तो हम लोग चार्ट पे लाए कैसे, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया था ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जाता है, तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको इधर बता देता हूँ, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को लाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे, आपके कोई भी जो आपके ब्रोकरेज ब्रोकर का जो चार्ट होगा उस पर आप जाके ट्रेडिंग वाले इंडिकेटर्स वाले टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करके आपको जो भी इंडिकेटर्स यूज करना आप सर्च कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे इतने सारे फेवरेट्स मैंने मार्क करके रखा, बट इसमें से मैं कुछ ही इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, और इंडिकेटर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिधर भी आपको ट्रेड लेना है, सपोर्ट ब्रेक होने का ऊपर की ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने का नीचे का ट्रेड लेना है, तो अगर आपको उस ट्रेड में एक एक्स्ट्रा एज चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए कि हाँ भाई ये ट्रेड इधर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, इंडिकेटर्स का सिर्फ उतना ही काम है, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा एज अ बिगिनर पूरी तरह इंडिकेटर पे डिपेंडेंट मत रहना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वो सारे चीजें भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर मेरे कुछ इंडिकेटर जो मैंने फेवरेट मार्क करके रखे, इन्हीं के ऊपर मैं वीडियोस लाता रहूँ और लाऊंगा आने वाले टाइम में, जैसे जैसे मुझे इन सारे वीडियोस पर लाइक, कमेंट्स, वो सब दिखेगा, जैसे आप अपना देखेंगे तो वैसे मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ इधर मूविंग एवरेजेस, तो इधर आप देख सकते हो काफी सारे मूविंग एवरेज आएंगे, काफी लोग नॉर्मल जो अलग मूविंग एवरेज है वो यूज करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा या जो मैं खुद यूज करता हूँ, आपने खुद अभी देखा होगा, मैं यूज करता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी इधर चार्ट पे डाल के रखा हुआ, अगर आप देख सकते हो ऑलरेडी ये दो थे, अभी मैंने टाइप ऐड किया तो ये वाला भी आ गया, ठीक है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, अभी इस वर्ड मूविंग एवरेज ये खुद ही आपको बता देगा कि इंडिकेटर एग्जैक्टली करता क्या है। तो एवरेज कैसा होता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस का जो भी कैंडल स्टिक पे, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस चलता है उसका एवरेज निकालता है, जिस तरीके से कैंडल मूव करता है, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सिर्फ एक ही फर्क है, सिंपल मूविंग एवरेज ना सारी कैंडल का इक्वली एवरेज निकालता है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास 50 कैंडल्स
का डेटा है तो 50 कैंडल को इक्वल ही वेट करेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, जो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा यूज करने के लिए, वो जो सबसे लेटेस्ट कैंडल या जो सबसे लेटेस्ट प्राइस है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में ये वाला, तो इस कैंडल को ज्यादा वेटेज देगा, ठीक है? जैसे ये वाली कैंडल को ज्यादा वेटेज देगा, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, वैसे होगा। बट सिंपल मूविंग एवरेज में वो सारी 50 कैंडल या 30 कैंडल या जिसका भी मूविंग एवरेज आप यूज करोगे उसको इक्वल वेट करेगा, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं लैगिंग हो जाता है। तो अभी आपने एक चीज मैंने बोला लैगिंग हो जाता है, ठीक है? तो इंडिकेटर्स में ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो थोड़ा सा जल्दी आपको सिग्नल दे देगा कि अभी आपको ट्रेड में एंटर होना है या नहीं होना है। लैगिंग इंडिकेटर उससे थोड़ा सा लेट होगा, ज्यादा फर्क नहीं होता, बट जैसे आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो, जैसे आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको शायद इस पे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट आप जिधर निकाल सकते हो शायद आप नहीं निकाल पाओगे, या शायद जिधर आपको स्टॉप लॉस बुक करना है शायद उसके बाद स्टॉप लॉस बुक करो, तो थोड़ा इस पे फर्क पड़ सकता है। बट जैसे बिगर टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर हो, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, तो शायद आपको इस पे इतना ज्यादा फर्क ना दिखे, ठीक है? तो हम लोग अभी बात करते हैं। बाय द वे अगेन गाइज, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के बाद ही आपको इंडिकेटर्स को अगर जस्ट देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गई पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, अभी इंडिकेटर्स का या स्पेसिफिकली मूविंग एवरेज का काम क्या होता है? तो मान लो अगर मैंने यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क किया, जैसे आप देख सकते हो इधर एक रेजिस्टेंस था मार्केट का, कुछ टाइम तक ये ब्रेक नहीं हो रहा था। तो अभी अगर मैं पूरे दिन में अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ या फिर अगर मैं कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं बार बार तो अपना रेजिस्टेंस चेंज नहीं करूंगा ना, कि अगर इधर रख दिया फिर इधर रख दिया फिर इधर रख दिया, इधर वैसा नहीं करूंगा। तो मूविंग एवरेजेस क्या होता है, एक हिसाब में हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या डायनामिक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अभी डायनामिक का मतलब क्या होता है, तो जैसे ये जो है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये स्टैटिक है, मतलब एक ही जगह पे फिक्स है। मैं मतलब इसको ऑब्वियसली हिला सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं इसको मूव कर सकता हूँ इधर से, ठीक है? बट मैं हर बार जैसा जैसा प्राइस बनता रहेगा, हर 15 मिनट के कैंडल बन के इधर मूव करते इधर मूव करते इधर मूव करते, तो मैं वैसे तो नहीं करूंगा, करेक्ट? या आप लोग भी आए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी ऐसा नहीं करते होंगे। तो इसमें ना जो ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये उस तरीके से मूव करते रहेगी जैसा प्राइस बिहेव करेगा। तो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब प्राइस उसका सपोर्ट ले रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस चल रहा है मतलब प्राइस उसका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? ये हो गई सिंपल बात। अभी मैं आपको डेफिनेटली एग्जांपल भी बताऊंगा, शायद आपको अभी ये इतने क्लियरली ना समझे या शायद मैं उतने अच्छे तरीके से आपको अभी नहीं समझा पाया, बट अभी जैसे आप चार्ट में एग्जाम्पल देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ये, ठीक है? तो मूविंग एवरेज का काम ये होता है कि आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, आपके जो नॉर्मल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जो आपने चार्ट्स पे ड्रॉ की होगी उसके बावजूद ये आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा, ठीक है? अभी आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाओगे तो इसके सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, विजिबिलिटी या रेक्टेंस होगा, ये स्टाइल मतलब आपको कलर कौन सा है चूज करना है, इसके ऊपर कितना ये विड्थ होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ऐसा। तो मैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है मैं वो प्रेफर करता हूँ क्योंकि थोड़ा क्लियरली दिख जाता है। इनपुट, अभी ये बहुत बड़ी ऑप्शन है और इधर ही आपको मतलब सबसे ज्यादा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो अभी इसके अंदर यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। अभी 50 डे और 200 डे क्या होता है, ठीक? जैसे आप देख सकते हैं इधर 200 लिखा है, इधर 50 लिखा है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये 50 डे है और ये जो ब्लू वाला है ये 200 डे। अगर इसका आप कलर भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला है। जो ग्रीन कलर का प्राइस है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ, जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डॉट्स आ गए, तो मतलब ये वाली लाइन हाईलाइट हो गई, ठीक है? तो भी 50 और 200 डे क्या होता है, तो अगर 50 कैंडल मतलब 50 अगर मैंने अगर मूविंग एवरेज डाला हो या 50 ये डाला हो लेंथ, तो मतलब वो 50 कैंडल का एवरेज पकड़ेगा, और अगर मैं 200 डालू तो 200 कैंडल का एवरेज पकड़ेगा। मान लो कि अभी तो सॉरी मैंने इसको डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, इसमें वापस लेके आ जाता हूँ, ठीक है? तो अभी मान लो जैसे देखो अगर ऑटोमेटिकली 9 आ जाता है, तो अगर मैं मान लो इधर 21 कर देता हूँ, उसकी विजिबिलिटी मैं फिर से चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने इधर ग्रीन कर दिया,
अभी अगर मैं इधर करूँ तो आप देख सकते हो अभी इधर मूविंग एवरेज में थोड़ा सा फर्क आ गया। अभी मैं इसको वापस 50 करूंगा तो आपको इधर डिफरेंस दिखेगा। ये कर दिया मैंने 50 और ये मार दिया मैंने एंटर। देख सकते हो आप थोड़ा सा वो हिल गया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको कितने कैंडल्स का आपको डेटा चाहिए। तो इन जनरल अगर आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर से जाके चेक कर लोगे तो 50 से 200 में बहुत ही बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन होता है। ये लोग का एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ देर में। बट मैं पर्सनली 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। कुछ और दूसरे मूविंग एवरेजेस में आपको बता सकता हूँ, तो आप 8 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, आप 21 यूज कर सकते हो, कुछ लोग 30 यूज करते हैं, 25 यूज करते हैं, 100 यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मूविंग एवरेजेस सीखोगे, जैसे आप इन इंडिकेटर्स के बारे में सीखोगे, आप खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज ही सिर्फ यूज करो। ये बस मेरा जो एग्जाम्पल है मैंने आपसे वो शेयर किया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले मैं ऐड निकाल। अभी अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर श्रिंक कर दूँ तो आप देख सकते हो कि इधर जो 50 डे मूविंग एवरेज है, मैं काम करता हूँ ये वाला मूविंग एवरेज पास होता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो और हम लोग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको अच्छे से डेटा भी ज्यादा दिखेगा और आप लोग को समझ में भी आएगा अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर देखू तो कहीं ना कहीं एक प्राइस इधर एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो प्राइस इधर एक अप ट्रेंड में, और आप साथ ही साथ देखोगे कि इधर जो मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है प्राइस। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे आया प्राइस और फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इधर बोलते हैं कि इसको हो गया इधर बेयर्स को ट्रैप कर दिया। अभी ये ट्रैपिंग क्या होता है इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा प्राइस एक्शन देख के ही आपको ट्रेड करना चाहिए इंडिकेटर्स बेस्ड, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे बॉलिंगर बैंड हो, चाहे RSI हो, कोई भी इंडिकेटर्स हो, आपको हमेशा प्राइस एक्शन को पहले आपको इंपॉर्टेंस देना है। प्राइस एक्शन ही आपका किंग है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो इधर मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती और मूविंग एवरेज के भी नीचे होता तो मैं इधर शॉर्ट एंट्री बना सकता था। और अगर मैं यहाँ कहीं पे देखू तो अगर देख सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दू तो अगर आप देख सकते हो इधर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था कि प्राइस ने इधर ही इधर से सपोर्ट लिया था, फिर कुछ कुछ टाइम पहले इधर से सपोर्ट लिया था, फिर इधर ही सपोर्ट लेके घूम रहा था। तो अगर ये ब्रेक होता तो मूविंग एवरेज तो ब्रेक होता ही होता, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट भी ब्रेक होता तो मुझे एक अच्छा टारगेट मिल सकता था। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा प्राइस एक्शन के बेस ही अपने को ट्रेडिंग करनी है जब हम लोग मूविंग एवरेजेस या कोई दूसरे इंडिकेटर्स यूज करें तो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल, मैं आपको और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अभी इधर भी मार्केट ने इधर डबल टॉप बना के नीचे आया, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था और मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा था, और उसके बाद कुछ टाइम मार्केट इधर ऊपर गया। लेकिन अगर आप इधर भी देख सकते हो तो इधर भी कहीं ना कहीं डबल टॉप बना है और मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो मूविंग एवरेज आपको इस चीज के लिए आपको हेल्प करता है। जैसे मान लो कि अगर आपने इधर कोई डाउन साइड का ट्रेड लिया होता तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना, अगर आप ज्यादा स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो तो आप 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख सकते हो। आई वुड सजेस्ट अगर स्टॉप लॉस आपको रखना है तो 50 डे मूविंग एवरेज की जगह आप 8 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, 9 मूविंग एवरेज, या कोई भी ऐसे जो छोटे मूविंग एवरेज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं जरा 8 मूविंग एवरेज डाल देता हूँ, मैं ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इधर छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं क्योंकि छोटा मूविंग एवरेज है तो छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, मैं रिसेट कर देता हूँ चार्ट। तो अभी आप अगर आप देख सकते हो कि इधर 8 मूविंग एवरेज के नीचे आया मार्केट, और इसके नीचे जब तक था मार्केट तब तक हम लोग ने इस ट्रेड का ट्रेड को राइड किया, और जैसे ही इसके ऊपर गया वैसे हम लोग ने स्टॉप लॉस ले लिया अपने इसका अपने ट्रेड का, और हम लोग ने ट्रेड एग्जिट कर लिया। बट हमेशा गाइस एक बात याद रखना कि हमेशा कैंडल की क्लोजिंग पर ही काम करना। मैंने ये अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैंडल के क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेंड लाइंस और जो हमारे चार्ट पैटर्न्स है, इन सभी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो आपको वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपका प्राइस एक्शन समझने के लिए, कि जब तक आपको प्राइस एक्शन क्लियर नहीं तब तक आपका मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर इतना अच्छे तरीके से आपको हेल्प नहीं करेगा जितना अच्छे तरीके से आपको अगर प्राइस एक्शन
अच्छे से आ गया तो हेल्प करेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है मूविंग एवरेज, बट अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ आपको 2% या 5% ही हेल्प करेगा। बट अगर आप इसके अंदर प्राइस एक्शन इंक्लूड करोगे, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग, ये सारी चीज इंक्लूड करके जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आपका एक 100% टेक्निकल सेटअप बनता है। अभी आपको सेटअप कैसे बनाना है, क्या होता है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सब क्या होता है, इसके लिए डेफिनेटली मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको यकीन नहीं आता कि सिर्फ प्राइस एक्शन या सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन आपको इतना हेल्प कर सकते या नहीं कर सकते, तो आप जाकर हमारे शॉर्ट चेकआउट कर सकते हो, जो हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स जो मैं ऑलमोस्ट रोज डालता हूँ, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कितने परफेक्टली मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है और कितने अच्छे अच्छे ट्रेड हम लोग को मिलते हैं। मैंने ये ऑलमोस्ट रोज अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाले, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो ये और भी लोगों को वीडियोज पहुंचेगी और हमारे चैनल के एल्गोरिथम इंप्रूव होगा, और जिससे आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा, शायद आपका कोई फ्रेंड होगा या आपका कोई फैमिली में होगा जिसको ट्रेडिंग सीखना है, उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, कुछ नई नॉलेज मिलेगी आपको। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले कि मैं एक मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, उसके पहले मैं इसको थोड़े से बड़े मूविंग एवरेज पे लेके जाना चाहूंगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग किंग ऑफ मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो जिम में वर्कआउट सब करता होगा, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो स्क्वाट्स वाला जो वर्कआउट होता है वो किंग होता है, लेकिन उससे बड़ा वर्कआउट कुछ होता नहीं है। तो जैसे अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे या अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, अगर आप में से कोई भी स्विंग ट्रेडिंग करता है या पोजिशनल ट्रेडिंग करता है कुछ दिन के लिए, अगर होल्ड करते हैं स्टॉक्स, तो ये उन लोगों के लिए हेल्प होगा। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इनफैक्ट 1 आवर टाइम फ्रेम भी लेता हूँ और अगर उसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज डालता हूँ, तो जब भी मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, सॉरी, जब भी प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब वो प्राइस या वो स्टॉक अप ट्रेंड में, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस किसी भी दिन या जिस किसी भी घंटे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो जिस किसी भी घंटे अगर वो प्राइस उस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो आपका टाइम फ्रेम, अगर आपका 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है प्राइस, मतलब वो डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, या वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो हमेशा, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूंगा कि प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। प्राइस एक्शन पे अगर आपको डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है, अगर आपको कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक आप, मैं ये सजेस्ट करूँ कि एग्जिट मत करना, भले से अगर मूविंग एवरेज पे नीचे अगर प्राइस आ गया है तो भी। ठीक है, बट ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड्स लेने में ना ज्यादा हेल्प करेगा 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम और उतना ऊपर से बड़ा डेटा होगा, तो ये आपको ज्यादा डेटा देगा और आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा कि ओवरऑल प्राइस कितने अच्छे तरीके से मूव किया है। ठीक है, तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 200 डे मूविंग एवरेज आप लगा के ट्रेड कीजिए, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, मैं वापस एक मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, दो मूविंग एवरेज ऐड हो गए हैं और मैं इसका लेंथ चेंज कर देता हूँ 50। ठीक है, तो ये हो गया 50 डे मूविंग एवरेज, अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो ओके, तो जैसे आगे अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, ये ज्यादा आपको मार्केट में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिखेगी, मान लो आपको महीने में 2 बार 3 बार अगर दिख गई ज्यादा से ज्यादा, या कभी हफ्ते में शायद कोई एक हफ्ते में एक बार दिख गई, बट यूजुअली ज्यादा अच्छे से इतने दिखती नहीं है, बट अगर स्ट्रैटेजी दिख गई तो आपको अच्छे मूव देने के पॉसिबिलिटी रखती है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी का रूल एक ही है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है और जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये लोग का क्रॉस ओवर होना चाहिए। एक होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, एक होता है डेथ क्रॉस ओवर। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर वो होता है जब 200 डे मूविंग एवरेज नीचे है, सॉरी 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर है और 50 डे मूविंग एवरेज उसको नीचे से ऊपर की तरफ काट के जा रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मान लो ये 200 डे मूविंग एवरेज है और 50 डे मूविंग एवरेज इधर से आके इसको से काट के गया और प्राइस भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आप बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो।
ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा, जो भी आपका प्राइस उस समय दिख रहा है, जो भी आपका सपोर्ट है वो कर सकते हो, या अगर 50 डे मूविंग एवरेज अगर प्राइस के पास में है तो आप तभी कर सकते हो। बहुत लोग आपको ये कहेंगे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट कभी कभी 50 डे मूविंग एवरेज के प्राइस कुछ ज्यादा ही ऊपर होता है और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको प्रॉफिट से ज्यादा आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि लॉस आपके मिनिमल हो, जितने कम लॉस होगे उतना ज्यादा आप ट्रेडिंग सीख पाओगे, उतने ज्यादा टाइम तक आप मार्केट में बने रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया गोल्डन क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज है और अगर ऊपर से 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है और प्राइस इसके नीचे है तो यहाँ पर आप सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस किसी पॉइंट पर। अगेन इसके ऊपर आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ कहीं पे मान लो कोई सपोर्ट है और वो सपोर्ट अगर यहाँ ब्रेक होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। तो ये होता है गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल ही बताता हूँ। तो जैसे आप अगर इधर देखोगे, अगर चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, तो अभी मैंने इधर चार्ट को बड़ा कर दिया। अभी अगर आप इधर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, ये एक मेरा एक सपोर्ट था, प्राइस इसी सपोर्ट को देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेके इधर से ऊपर चढ़ा, फिर इधर सपोर्ट लिया, और ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आई बिलीव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा हम अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो। नहीं देखे तो अगेन मैं सजेस्ट करूँ कि आप जाके देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज के हिसाब से, ये है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज, जो ब्लू लाइन है, और जो ग्रीन वाला है वो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज। ऊपर से 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है और नीचे 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट फ्लैट है, इधर से देखा जाए तो फ्लैट ही रही है, तो इधर से इसने ब्रेक किया, प्राइस इसके नीचे है, ऑलरेडी नीचे है, बट ये इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर चुका था। और अगर आप देखोगे डे एंड पे ये चीज हुआ है, ऑलमोस्ट डे एंड पे ये चीज हुआ है, और आप लोग अगर डे एंड पे प्रेफर करना चाहोगे ट्रेडिंग करना आप लोग कर सकते हो, बट मैं यूजुअली डे एंड पे ट्रेडिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो अगर मैं सपोर्ट के ऊपर भी सॉरी हाँ ये जो भी सपोर्ट है, जो भी रेजिस्टेंस बन चुका है क्योंकि प्राइस नीचे आया, तो अगर इसके ऊपर भी अगर मैं स्टॉप लॉस रखूँ तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इधर जो मेरा ऑलरेडी सपोर्ट था पिछले कई दिनों से वो ब्रेक हुआ और ऑलरेडी मूविंग एवरेज ने डेथ क्रॉसओवर इधर मुझे मिला है, और इधर भी आप देखोगे उसी दिन 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों का रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। और अगर आप देखोगे साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो पीछे जाके देखोगे कि यहाँ पर भी 2 बार सपोर्ट लिया था, तो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ पर से मार्केट जब ब्रेक हुआ और ऊपर से अगर देखोगे वापस जो हमारा कल वाला रेजिस्टेंस था उधर भी रिटेस्ट लेके मार्केट ने देखो कितना अच्छा मूव दिया है। ठीक है, ये शायद अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि सपोर्ट ब्रेक हुआ फिर रेजिस्टेंस हो गया फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आप अगर प्रैक्टिस करोगे रोज प्राइस एक्शन पे चार्ट पैटर्न्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैंडल सीखते तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने भी चालू किया था ट्रेडिंग आज से 3-4 साल पहले, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल बहुत सारी चीजें दिमाग में चलते रहते थे, मुझे कुछ नहीं समझ आता था, बट अभी मुझे सारी चीजें बहुत ईजी लगती है। ठीक है, तो ये हो गया डेथ क्रॉसओवर। अभी मैं गोल्डन क्रॉसओवर का भी आपको एग्जाम्पल दे रहा था। देखिए, तो अगर आप देखोगे इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, देख सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज इधर से थोड़ा सा नीचे है। अभी ये आपको डेथ क्रॉस ओवर भी लगेगा। ठीक है, डेथ क्रॉस ओवर लगा, लेकिन क्या यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ क्या? ये देखो, ये इधर अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो ये है क्योंकि मार्केट यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। ठीक है, तो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और चला गया। तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हर स्ट्रेटेजी, जैसे पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा था कि हर स्ट्रेटेजी जरूर नहीं आपको 100% प्रॉफिटेबल देगी, कोई कोई स्ट्रेटेजी आपको 90%, 50%, 60%, 70% भी प्रॉफिटेबल देगी, और वो स्ट्रेटेजीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर भले से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, अगर आपने ट्रेड में यहाँ पर भी एंटर किया होता, मान लो अगर आपने इसको सपोर्ट मान लिया होता या इसको मेजर सपोर्ट मान लिया था, अगर यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पर आपका लॉस हो जाता। बट अगर आप इधर देखोगे कि जैसे 50 डे मूविंग एवरेज ने इधर ब्रेक किया और 200 डे मूविंग एवरेज तो यहीं पर था, और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस मानता हूँ
या अगर ये मैं यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है, तो उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पर से भी ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि अगर ये भी एक रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये भी एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से भी अगर मैं ट्रेड लेता तो कितना ऊपर मार्केट ने अच्छा मूव दिया। ये है 24 अप्रैल 12:30, अगर मैं सिर्फ उस दिन के देखू तो देख सकते हो कितना ऊपर गया मार्केट, 17,749 हम लोग ने ट्रेड लिया था 17,662 पे, और जैसे 17,749 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ट्रेड मिला है निफ्टी में, और निफ्टी में 100 पॉइंट का ट्रेड मतलब आपको खुद ही पता होगा कितने अच्छे कितना अच्छा मूव आया है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली वो शॉर्ट्स के जरिए या एक फिर से इसका पार्ट 2 बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, आप कौन से और इंडिकेटर्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, आप कौन से मूविंग एवरेजेस यूज करते हो, आपको ये स्ट्रैटेजी कितनी यूजफुल लगी नहीं लगी। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस आइडिया चाहिए, डेफिनेटली मुझे पता है आप सब लोग ऑप्शंस के वीडियो का वेट करो, ऑप्शंस की वीडियो भी जल्दी आएगी, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो लर्निंग वाले वीडियोस है ना मैं ये डाल रहा हूँ, ताकि जो हमारे बिगिनर्स ट्रेडर्स भाई लोग हैं वो लोग के लिए हेल्पफुल हो, जो हमारे एडवांस ट्रेडर है जो ऑलरेडी मार्केट में 2 साल 3 साल से है, तो वो लोग को तो शायद ये लगेगा बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स है या बहुत बेसिक वीडियोज है, बट हमारे बिगिनर्स भाई को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए देना चाहिए। ठीक है, और गाइज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम में ना जो भी वीडियोस बनाओ, जो हमारे लॉन्ग फॉर्म वीडियो, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म में अपने जो शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अपडेट्स तो डेली देता हूँ, या जब जब मैं एटलीस्ट ट्रेड करता हूँ तब तक मैं देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये ऐसे वीडियोस चाहिए जिसके अंदर मैं जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो जैसे आज बना रहा हूँ, इन वीडियोस में अगर मैं आपको कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस दूं कि मेरे हिसाब से ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे लगते हैं या इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे लगते हैं, तो आप लोग को वो वैसे वीडियोस पसंद आएंगे क्या, आप वो भी कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आएंगे तो मैं जल्द से जल्द वो वाले वीडियो सीरीज भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस डिस्कस करूंगा, और डेफिनेटली मैं अपने अपने जो अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ, मैं इंडिकेटर्स के रिलेटेड भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज है, मतलब जहाँ पर मुझे इंडिकेटर्स में कुछ मुझे दिखता है तो मैं वो स्ट्रैटेजीज भी आपसे शेयर करूंगा। तो आप कमेंट्स करके बताइए गाइस आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो से मिलते रहेंगे, तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।